बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय आरएस कुशवाहा जी का हमीरपुर जनपद में प्रथम आगमन पर उनके कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत एवं सप्रेम भेंट में दी चांदी की मछली, चांदी का हाथी और भी कई सारी चीजें। मंडल जोन से लेके जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी, सेक्टर कमेटी और अब बूथ कमेटियों के गठन का कार्य कर ये सारी समीक्षा इधर मैं लेने आ रहा हूँ। अभी आपके सामने एक एक विधानसभा की कमेटी को बुलाऊंगा, एक एक सेक्टर बुलाऊंगा, उनकी समीक्षा करूंगा और कहीं जरूरत पड़ी तो उसका रिव्यू भी करता हूँ। और हमारी कोशिश है कि अब हमारा बूथों पर काम चल रहा है, हमारे जिम्मेदार साथी गांव गांव जाकर के गठन कर रहे हैं और अच्छा सब कुछ गठन हो जाए, हम लोग अच्छा भी कर रहे हैं और दूसरा कार्य जो है सामाजिक भाईचारा सम्मेलन में साथ साथ आवास कर रहे हैं, विभिन्न जातियों का आपस में भाईचारा बनाने का भाईचारा पैदा हो। जिस प्रकार से हमने 2007 के चुनाव लड़ा था और 2003 में ही सभी समाज की भाईचारा कमेटियाँ हमारे नेता ने बनाई और इतना बढ़िया संगठन बना था कि उसकी बदौलत उत्तर प्रदेश में 2007 में हमारी बहुत सी सरकार बनी। हमारा फिर से प्रयास है कि हम लोग सभी समाज में भाईचारा पैदा करें और बढ़िया सामर्थ्य बनाए, सामंजस्य बनाए और नीचे स्तर तक, बूथ स्तर तक हमारा अच्छा संगठन तैयार हो जाए और इन्हीं संगठन के बदौलत 2019 के चुनाव में आने जा रहे हैं। आज देश और प्रदेश में जो जुमलेबाजी करके सरकारें बनी हैं, जैसा कि इन्होंने लोकसभा चुनाव के पूर्व, विधानसभा के चुनाव के पूर्व ढेर सारे वादे किए थे जिसमें से मुख्य रूप से विदेशों में जमा काला धन वापस लाएंगे, वापस ला करके सबका खाता खुलवा करके 20-20 लाख रुपए जमा कराने का काम करेंगे। आज 4.5 साल गुजर गया है, विदेशों में जमा धन काला धन एक भी पैसा हिंदुस्तान नहीं आ पाया। दूसरा वादा किया था कि हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी देने का काम करेंगे। आज 4.5 साल गुजर गया है, 9 करोड़ लोगों को नौकरी मिलना चाहिए था। आपके आंकड़े बताते हैं कि अभी तक कुल 4 लाख लोग नौकरी पाए, यानी आधा परसेंट से भी कम करने का काम किया है। इनका पहला वादा और दूसरा वादा दोनों चुनावी जुमला साबित हुआ है। तीसरा, किसानों के लिए इन्होंने वादा किया था कर्ज माफी करेंगे, कर्ज माफी के नाम पर किसी का 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये का चेक आया है, यानी कर्ज माफी के नाम पर भी किसानों को ठेगा दिखाने का काम किया है। जिसका कर्जा 50,000 1 लाख था, किसान कर्जा माफ करने का काम नहीं किया है बल्कि बड़े बड़े पूंजीपतियों के 100 करोड़, 200 करोड़ वालों का कर्जा माफ करने का काम किया है। आज महंगाई कम करने की बात करते थे, डीजल पेट्रोल का दाम जो इन्होंने सत्ता संभाली थी 50-55 के आसपास दाम रहा होगा, आज 80 और 90 पार कर रहा है पेट्रोल के काम, जिस पर कोई अंकुश लगाने का काम सरकार नहीं कर रही। ये तमाम सारे वादे बुलाने लोग भूल जाएं, इसके लिए उन्होंने नोटबंदी ले आए, उससे कोई देश को फायदा नहीं हुआ बल्कि 99.7% पैसा 500,000 का नोट बंद किया था, सब वापस आ गया है। विपक्ष पर प्रकाश किए हैं, इतनी अच्छी बात है, लेकिन अभी आप अपने पार्टी का ये बताइए, 2019 का चुनाव है, क्या गठबंधन करके बनाएंगे सरकार या फिर अच्छा से लड़ेंगे? इसका इंतजार करिए, हमारी नेता बीच बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समय समय पर आप लोगों को मुखातिब होती रही है और समय आने पर आपको उसका जवाब मिल जाएगा। जुड़े रहिए हमीरपुर टाइम्स के साथ। हमीरपुर टाइम्स के लिए मनीष कुशवाहा की रिपोर्ट। अपने इलाके से ताज़ा खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को शेयर करें।